Exercise 1.3, question number 2. Evaluate each limit by using algebraic techniques, part 6. Limit x approaches to uh, 4 to x square minus 32 divided by x cube minus 4x square. क्वेश्चन में uh, अगेन अगर हम अपने डायरेक्ट लिमिट्स पुट करें तो हमारे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी सो so, हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन्स करनी पड़ेंगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर हम ऊपर में से टू को कॉमन लेंगे सो so, हमारे पास आ जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय डिनिनेटर uh, में से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू इंटू अगेन अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी उस वो यहाँ पर यूज हो गया यानी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन है सो हम इसको यूं भी राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर सो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायेर इंटू एक्स माइनस फोर अब हमारे पास एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर से कैंसिल हो जाएगा सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायोयर अब हम अपनी लिमिट्स पुट करेंगे सो वी गेट टू इंटू फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा टू इंटू एट डिवाइडेड बाई सिक्सटीन अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एम सीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिपो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल